तेरी सेवा से मैं इतने संतुष्ट होता हूँ, अगर मेरे भक्तों की सेवा, मेरे ब्रजवासियों की अगर कोई सेवा करे उससे ज्यादा मैं संतुष्ट होता। ब्रह्मा की बात पता चला, इसलिए कृष्ण ब्रह्मा जी को कहते हैं, भैया क्या चाहते हो, क्या ब्रज में कोई सखा सखी बनना चाहते हो? बोले नहीं नहीं। बोले कोई पशु पक्षी? बोले नहीं नहीं। बोले वहाँ कोई कीट पतंग बनना चाहते? बोले नहीं नहीं। पर फिर बोले ब्रज, ब्रज के बाहर जो छोटे जाति के लोग रहते हैं उनको घर को सामने अगर मैं पत्थर जन्म भी हो जाए मेरे, अगर मेरे को पत्थर मान करके मेरे सर पर चरण रगड़ेंगे तो अगर उनकी धूल मिल जाए तो अपना जीवन को भी धन्य धन्य मानूंगा। ब्रह्मा जी से व्यक्ति ब्रज में जिनकी प्रवेश नहीं। बोले माँ लक्ष्मी हर जगह में लक्ष्मी को देखूंगा ऐसा हाथ करके बैठूंगा, लेकिन आप ब्रज में जाओ, जमुना उस पार में जाओ, बताओ लक्ष्मी कैसे बैठी है? कम बोले बाबा यहाँ पंडित सब बैठे, अच्छी बात। इसलिए वहां पर लक्ष्मी और हाथ जोड़ करके बैठी हुई है। कहते बिहार का मान प्रता सारे बैकुंठक सूप को छोड़ करके ब्रज में तपस्या कर रही है लक्ष्मी। बोले अभी तक भी उनको ब्रज में प्रवेश नहीं मिला। उद्धव जैसे व्यक्ति और क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं वहाँ की गुलमलता औषधि वृक्ष रूप में जन्म लेना चाहते हैं। बोले वहाँ की गुलमलता क्यों जन्म लेना चाहते हैं? इसलिए गुलमा घास क्यों जन्म लेना चाहते हैं? कोई ट्रांसलेशन कर रहा है? बिमला दीदी यहाँ पर है? कहाँ दिख नहीं रही, ट्रांसलेशन कर रहे। इसलिए आप लोग इसलिए ब्रह्मा जी हरे कृष्ण इसलिए कहते वहां पर कहते गुलमा वहां पर क्या जन्म लेना चाहते? बोले घास जन्म लेना चाहते। बोले क्यों? बोले गोपियां तो चल करके जाएगी कृष्ण से मिलने के लिए, अगर चल करके जाएगी अगर मैं घास बन करके रहूंगा कम से कम उनका चरण धूल मिलेगा। वहां तो लता पता क्यों बनना चाहते हैं? बोले प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे ते कृष्ण वहां पर सुंदर प्रेमय माधुर्यमय लीला जब कुंज कुंज में करेंगे, अगर हम वहाँ गुलमलता बनेंगे तो लता रूप में दर्शन करेंगे। बोले औषधि वृक्ष क्यों बनना चाहते हैं? बोले कारण यही है अगर कभी दवा लिए ना उनके हृदय में मैं चला जाऊँ। कौन चाह रहे हैं? कभी श्री उद्धव जैसे व्यक्ति चाहते हैं, हैं? इसलिए जहाँ पर ब्रह्मी स्वरादि सुदुर्वह पदार विंदन जिस ब्रजधाम में, इसलिए नारद जहाँ पर कठोर तपस्या कर रहे हैं, हैं? इसलिए कहते श्री महाविष्णु कहते हैं भैया तू वृंदावन जाना चाह रहे हो, कितना आसानी बात नहीं, ये लोग भी वृंदावन धाम में इनके लिए प्रवेश नहीं, ये भी प्रवेश नहीं कर पाए। कहते वृंदावन धाम की कहते ना वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई, और डाल डाल और पत्ते पत्ते में श्री बाबा की सब जानते हैं। इसलिए वहां सब के सब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं, हैं? राधा जी के नाम। इसलिए महाविष्णु कहते भैया वहाँ का जो भूमि है ना वो चिंतामणि भूमि है, और वृक्ष साधारण वृक्ष नहीं, सब के सब कल्प वृक्ष है। पानी नहीं बोले त्वयं मृतम तथा गानम, अगर कोई बात करते हैं लगता है बड़े सुंदर भगवान की कीर्तन कर रहे हैं, अगर कोई चलता है लगता है जैसे नृत्य कर रहे हैं। कहते वहाँ की जो पर्वत है बोले पर्वत पर्वत नहीं, ये ब्रह्मा स्वयं वहाँ पर ब्रह्माचल पर्वत रूप में ब्रह्मा जन्म हुए हैं। कहते श्री नंदगाम कौन है? बोले स्वयं शंकर जी नंदीश्वर रूप में। कहते गिरिराज गोवर्धन कौन है? कहते ये स्वयं विष्णु श्री गिरिराज वृंदावन है। वहाँ सखीगिरी पर्वत है, कहते सखीगिरी पर्वत स्वयं जो पर्वत वो सखी का रूप है वहाँ पर। इसलिए कहते देखो वहाँ की वृक्ष साधारण नहीं, और वहाँ की जो नदी है वो नदी भी साधारण नहीं। कौन नदी बह रही? बोले यमुना नदी है। चिदानंद भानो सदानंद स्वरूप परम प्रेम पात्री लघानाम अधेत्री। इसलिए राधा कृष्ण की प्रेम जब द्रवीभूत होकर बहती है कहती है यमुना श्री पटराणी। बोले श्री यमुना महारानी की, अरे जोर से जयकार लगा, बोले श्री यमुना पटराणी की। और वहां पर जो तालाब सरोवर सरोवर नहीं, कदी मान सरोवर क्या है? बोले राधा रानी जब मानी नहीं होकर के रास परित्याग करती है, जाकर के रो रो करके आंखों का आंसुओं से ये सरोवर बना हुआ है, ये प्रेम सरोवर नहीं। राधा कृष्ण जब स्वयं द्रवीभूत होकर के प्रेम में द्रवीभूत होते हैं तब ये नदी। कहते राधा कुंड श्याम कुंड क्या है?
पृथ्वी का सारे तीर्थ का पानी और राधा कृष्ण दोनों ही ये राधा कुंड और श्याम कुंड रूप में प्रकट हुए हैं भैया। वहां का नदी भी सोई की साधारण नदी नहीं, इसलिए वृंदावन कोई साधारण भूमि नहीं है। इसलिए महाविष्णु कहते हैं, देखो तुम कहते हो वृंदावन धाम में प्रवेश करोगे ना, इतने आसानी नहीं वृंदावन धाम जाना, मैं भी स्वयं यहाँ पर नहीं जा पाया। बोले फिर तो बड़ा दुर्लभ है वृंदावन जाना। बोले हाँ, और एक उपाय, और एक सरल उपाय है। बोले कौन सा सरल उपाय है? बोले अगर कोई ये ब्रज गोपियों की कोई अगर अनुगत करे ना, कहते उनको आसानी से ही ये ब्रज धाम में यानी कि आसानी से ही प्रवेश हो जाता है। लेकिन भैया ये गोपियों की अनुगत करना भी कोई साधारण बात नहीं, इनके अनुगत भी साधारण बात नहीं, गोपियों के अनुगत करना। इसलिए नारद जी ब्रह्मा जी को प्रश्न करते हैं, बोले पिताजी आप ये गोपियों के भाव को पाने के लिए इतने कठोर तपस्या आपने क्यों किया है? बोले क्या कारण है? तब ब्रह्मा जी कहते बेटा ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं, ये कौन है? बोले ये आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी स्थावर एवं निज रूप कला त्यागी। यदि ये आनंद चिन्मय रस की एक एक मूर्तिमान है, ये राधा जी की भाव ही ये एक एक गोपी रूप एक रूप धारण किया है। ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, ये इसलिए मैं 60,000 साल तक मैंने तपस्या की, श्रुतियों का मंत्र भी, दंडकारण्य का ऋषि भी कठोर तपस्या करते हैं वहां की गोपी शरीर को प्राप्त करने के लिए, इतने आसानी नहीं गोपियों की अनुगत करना। शंकर स्वयं गोपीश्वर बन जाते हैं। शंकर स्वयं, शंकर जी कौन है? बोले देव देव महादेव जो सत्यम शिवम वो भी जहाँ पर प्रवेश अधिकार, जहाँ पर शंकर जी गोपी रूप लेने पर भी प्रवेश नहीं पाते। फिर श्री आनंद देव कहते हैं फिर तो ब्रज में जाना कठिन, ब्रज भूमि में जाना बड़ा कठिन। अभी फिर प्रश्न करते हैं भैया क्या फिर ब्रजधाम प्रवेश नहीं कर सकते? हाँ, एक सबसे सरल उपाय है, अगर प्रवेश ब्रज में प्रवेश करना चाहो तो सबसे सरल उपाय है। बोले भैया वो सरल उपाय क्या है? बोले उसी ब्रज प्रेम को देने के लिए स्वयं कृष्ण कलयुग में राधा जी की भाव और अंग कांति लेकर के श्री नवद्वीप धाम में श्री गौरहरि रूप में वहां पर प्रकट हुए हैं। वो गौरहरि रूप में वहां पर प्रकट हुए हैं और प्रकट होकर के इसमें कहते हैं ना क्या राधा रमणमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो फिर क्या, हाँ उसमें भजन गाते हैं, जति गौरांग नाहित ते बैके हरित के मने धरिता मुदेह, जति गौरांग नाहित तबे के हरित के मने धरिता मुदेह। राधार महिमा प्रेम रस सीमा, राधार महिमा प्रेम रस सीमा, जगते जाना तो के जगते जाना तो के गौना पोना गौरांग रघुना सरल हरिया माना, गाओ ना पोना गौरांग रघुना सरल हरिया माना। हे भव सागर हे मन दयाल, हे भव सागर हे मन दयाल, ना देखी जे ठाकुर गा रहे हैं। भैया अगर जगत में श्री चैतन्य महाप्रभु अगर जगत में नहीं आते, राधा रानी प्रेम की जो वैचित्रता, उनकी जो प्रेम जो वैचित्रता को, राधा रानी की जो महिमा को जगत में कौन जानता? क्योंकि कृष्ण स्वयं कल सुन रहे थे ना, राधा
प्रेम में ऋणी होकर के राधा रानी प्रेम की ऋणी से उतारने के लिए कृष्ण कलयुग में स्वयं राधा जी की भाव अंगकांत लेकर के आए। इसलिए मैंने कहा पुनः पुनः गौरांग रघुना सर्व अयमन है। इसलिए श्री मैंने चैतन्य महाप्रभु का जो महिमा को पुनः पुनः गायन करो सरल होकर के। बोले तीन भुवने एमन दयाल, बल्कि ये तीन भुवन में ऐसे कोई दयाल व्यक्ति आपने देखा है? नादे कीजिए एक जन हमने किसको देखे हो ऐसे महापुरुष जैसे दयालु जगत में। इसलिए महाविष्णु कहते हैं एक उपाय है, अगर कोई वो ब्रज प्रेम में प्रवेश करना चाहते हैं एक ही काम करो। बोले क्या काम करो? बोले नवद्वीप धाम में जाओ। और नवद्वीप धाम में जो वैष्णव लोग जो परिक्रमा कर रहे हैं है? इसलिए उनकी अनुगत में परिक्रमा वहां पर करो। बोले कैसे भक्तों की? इसलिए भक्त विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं भक्त विनोद ठाकुर? गौरव अमार जे सब स्थाने करल भ्रमण रंगे से सब स्थान हरि बामी प्रणय भक्त संगे। इसलिए कहते हैं गौर अमार जैसव स्थाने करल भ्रमण रंग, जहाँ पर हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु जहाँ पर उन्होंने मधुर मधुर लीला की है, बोले रसी के भक्तों के अनुगत में क्या करो कि उस स्थान को दर्शन करो, वहां पर जाओ, वहीं पर बैठो, वहां पर कथा सुनो और वहां का धूल शरीर पर लगाओ और वहां पर लौट बोट उठाओ। अगर कोई नवद्वीप धाम केवल परिक्रमा करे वैष्णव के अनुगत में कथा सुने और ये परिक्रमा करे तो अपनी आप उसको अपने आप को जो दुर्लभ ब्रज प्रेम है जिसको ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद भी जिसके लिए कठोर तपस्या करते हैं कहते वो प्रेम आसानी से तुम्हें आसानी से और कुछ भी करने का जरूरत नहीं वो प्रेम तुम्हें अपने आप वो दुर्लभ प्रेम को तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं क्या कहते हैं, बोले गौरव प्रेमा रसार नवे सतरंग जेबा डूबे से राधा माधव अंत रंग से राधा माधव अंत रंग गौरंगे रघुती पद चार धन संपद से जाने जिसने अपना जीवन में श्रीमन महाप्रभु को एक मिनट पूरा एक मिनट हरे कृष्णा हिंदी भाषियों